मजा आया। हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, बहुत ढेर सारा मजा आने वाला है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले इंस्टाग्राम पे मचे भौजियों के बवाल के आतंक का, तो देखिए। तो भैया टूट गया पलंग। अरे यार पलंग तो टूटेगा ही, सागवान क्या शीशम का बनवा दो वो भी टूटेगा भाई, इसी कटीली भौजी है। बिल्कुल सही, तो पलंग तो टूटना बनता ही बनता है। भैया आजकल कुछ ऐसी भौजियां हैं जो अपने लटके झटके दिखा के लौंडों को हाथ का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही हैं। अरे भाई 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 रुको। हाँ, हाँ। कुछ भौजियां ऐसी भी हैं जो बिना लटका झटका दिखाए भी आपकी जलेबी का रस टपका देंगे। रस टपका रहे हैं। देखी जब तुम्हारा की दिल धड़के। क्यों भाई हो धड़का दिल? धड़क गया ना, अब रस टपकेगा। आजकल की भौजियों ने लड़कों की दुखती नस पकड़ ली है और वो डांस के बहाने सब कुछ हिला हिला के दिखा रही हैं और लड़कों को रिझा रही हैं। ऐसे निरेख नमक नारे। अरे रुको 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 रुको, ऐसे ऐसे करके क्या देख रहे हो वीडियो में भैया, जरा ध्यान भी तो दो। ये बताओ अप्सरा जो नाच रही है उसके पीछे क्या सामान रखा है, ये तो बताओ जरा। तुम्हारा ध्यान तो हिल रहा था, तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं होगा, और अगर गया है तो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो आपने छोटी छोटी पहाड़ियां हिलते हुए देख ली, अब आप हम आपको दिखाते हैं बड़ी बड़ी चट्टानों को हिलते हुए। भूकंप आने की वजह क्या है? टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से भूकंप आ रहा है, लेकिन इसकी वजह कुछ और है, कुछ और टकराने की वजह से भूकंप आ रहा है। देखिए देखा, ये जो अप्सरा है इंस्टाग्राम वाली, इनकी वजह से असली अप्सराओं की छुट्टी हो गई है। इंस्टाग्राम की वजह से एक चीज अच्छी हो गई है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना तराशा हुआ बदन मुझे देखने को मिलेगा, और वो भी फ्री में। भैया मार्क जुकरबर्ग भैया को बहुत बहुत धन्यवाद भैया, उनको तरक्की दे ऊपर वाला, भगवान करे उनके तीनों बाड़े। तीनों बाड़े मतलब? अरे बल बुद्धि विद्या तीनों चीजें बाड़े। हाँ ये चीज सही है। भैया ये लो बियर का नशा। अरे बियर हटा यार, ये ज्यादा ये बेकार है यार, उससे ज्यादा नशा तो इसमें हो गया इसको देखने के बाद। अरे पूरे ठेके का नशा घुस गया अंदर। दोस्तों एक सर्वे में पता चला है कि हिंदुस्तान में दूध का जितना उत्पादन है उससे ज्यादा की खपत है, और इस वजह से हमें लगता था कि हम लोग तो नकली दूध पी रहे हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, वाकई दूध की खपत पूरी हो रही है। यार दीपक भाई, हमने पशु आहार के पैकेट पे एक लाइन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? प्यार बढ़ेगा तो दूध बहेगा। यार कहीं इंसानों के लिए तो नहीं बनाने लगे ये लोग पशु आहार? यार बात तो पते की है। जो पति हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप अपनी लुगाई को घर ले आए, इतना ही काफी नहीं है, उनकी आग को भी आपको ठंडा करना पड़ेगा और समय समय पर ठंडा करते रहना पड़ेगा। वरना फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की कमी नहीं मार्केट में, घूम रही है ऐसे बारिश कर रही है। अरे जल्दी जाओ सजन, नहीं तो वहां दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाएगी, आग बुझाने लगेगी। और ये लौंडो जरा सुधर जाओ वरना भौजी देखो कच्चा चबा जाएंगी। कच्चा कहाँ से खाना शुरू करेंगी, ये तुम समझ सकते हो खुद। तू छाती के लग रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे भाभी जी एक मिनट रुकिए, अगर कच्चा खा जाएंगी तो तावीज क्या उसकी हड्डियों की बनाएंगी? छाती के लग रही है। दोस्तों जहाँ कुछ भौजियाँ अपने लटके झटके दिखा के लोगों को रिझा रही हैं, वहाँ कुछ भौजियाँ ऐसी भी है जो अपना दुपट्टा गिरा के लोगों का मन भटका रही हैं। दोस्तों हमने बहुत पहले एक गाना सुना था कि दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है, लेकिन ये रील देखने के बाद हमें ये समझ आया कि दुपट्टा सरकने से दिल के साथ और भी बहुत कुछ धड़क सकता है।
हटे ना जा रिया। क्यों धड़का ना, कहाँ से धड़का? आजकल की भौजियाँ डांस के बहाने अपना शरीर का ऊपर से नीचे तक सारा अंग दिखा रही हैं और लड़कों को जला रही हैं। अब इतनी कटीली कमरिया दिखा के जब डांस करोगी तो हाय 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 तो निकलेगा ही निकलेगा। मेरा फिर से पतियों से अनुरोध है कि जो लोग कमाने के लिए बाहर बम्बैया मैया जा रहे कमाने, तो भैया थोड़ा घर पे ध्यान दे, वरना क्या फायदा कि मोहल्ले के लौंडे और भाभी के देवर सारा कांड कर जाए और आपको पता भी ना चले। देखिए ये भाभी क्या कह रही है। देवरा मारल चाहे मा जा राजा घर आजा करे जा घर आजा। और देखिए देवर कौन सा मजा मारने के लिए बोल रहे हैं, बताइए भाभी। आ ऊ सट सट सट। समझ में आया? चलो भैया निकलो पहली फुर्सत में, चल निकल 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 निकल। और ये जो भाभियां आतंक ढा रही है इसके बारे में पहले ही बहुत पहले मनोज भैया ने बता दिया था। देखिए बनावट बदन के लिखत बा कहानी, तो मिला आँखों को सुकून, कमर हकितामा के लच लच कमानी। तो इसी खूबसूरती के साथ आपको छोड़ के जाते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में नई बीसी के साथ। अरे देवता इमन कैसे मानी, अरे देवता।